हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं। आज हम लोग बना रहे हैं समोसे, मैं और बिट्टू मिल कर के। तो ये देखिए, बिट्टू और मैं हम दोनों मिलके आज बना रहे हैं समोसे। तो देखिए बहुत सारे बन गए हैं। अभी मैंने वीडियो अपना स्टार्ट किया है, मैंने बोला कि थोड़ा सा आप लोगों को के साथ भी शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या खाया। तो देखिए वही मैं बना रही हूँ समोसे। यहाँ पर मम्मी बोली कि आप लोग समोसे बना लो, बहुत दिन से नहीं खाया है समोसा, तो इसीलिए हम लोग समोसे बनाने लगे। क्योंकि इस टाइम में बाहर का खाना कोई नहीं खा रहा है, तो समोसे भी बहुत दिन से नहीं खाए हैं। और हमारे यहाँ जब भी समोसे बनते हैं तो अच्छे से ही बनते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे से पेट भर के समोसे खाते हैं। तो देखिए वही हम लोग बना रहे हैं, और मैं और बिट्टू। और समोसे की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग जा कर के देखिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेसिपी है वो। उस तरीके से अगर आप समोसे बनाएंगे ना, और जिनको समोसा मोड़ना नहीं आता है वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी आपको समोसा मोड़ना। और ये देखिए सब लोगों ने मिलके जिसको जैसा मोड़ना आया वैसे वैसे सब ने बनाए हैं अपने अपने। और आज तो हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया ना समोसे बनाने में कि मैं क्या बताऊँ। और देखिए अलग अलग तरीके के हैं, जिसके हाथ में जैसा बन रहा है वैसा बना रहे हैं। तो देखिए अब लास्ट में ये लोई वगैरह ही बची हैं, थोड़ी सी 4-5 6 ही बन गए हैं सारे। और यहाँ पर हमारी बेबी भी बना रही है समोसा। तो ये देखिए ये भी बैठी हुई है, बना रही है अपना समोसा। तो क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी है बनाना, हम लोग तो ठीक हैं लेकिन बच्चे ज़्यादा ज़रूरी है उनका बनाना। तो वही देखिए बना रही है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ समोसा मोड़ना और बेलना। देखिए इस तरीके से हमको जो है लोई को बेल लेना है, फिर काटना है बीच में से। और काटने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे पानी, या फिर आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं देखिए इसमें लगा रही हूँ ऑयल, और ये देखिए अब मैं इसके बाद इसमें मोड़ लूँगी इस तरीके से, जैसे हम रोट कोन बनाते हैं ना उस तरीके से ऐसे मोड़ लेना है। इसके बाद इसमें भरना है हमें सब्जी, और कुछ मैं दाल के भी बना रही हूँ। जो मूंग की दाल होती है उसको बॉईल कर लिया है, और उसमें हरी मिर्च और अजवाइन मिला दी है। तो ये आलू के बहुत सारे बन गए हैं। अब हम दाल के भर के मैं आपको बताती हूँ एक समोसा। तो वो देखिए ये लगा दिया मैंने पानी, और अब हम इसको इस तरीके से जो है चिपका देंगे। तो आप इस तरीके से समोसे मोड़ेंगे ना तो बिल्कुल मार्केट के होटल के समोसे के जैसे ही समोसे बनेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से मुड़ गया है। जब भी आप समोसे बनाएं तो इस तरीके से बनाएं, बिल्कुल समोसे के शेप का ही, जैसे हम मार्केट से लाते हैं वैसे ही बनता है। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही बना है, और ये देखिए बिल्कुल समोसे के जैसा ही बना है जैसे हम बाज़ार से लाते हैं। क्योंकि समोसा हम बना लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इसकी फोल्डिंग सबसे ज़्यादा मेन है। जब तक इसकी फोल्डिंग समोसे के जैसी नहीं होती तब तक समोसे के जैसे टेस्ट आ नहीं सकता है। इसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे गाजर का हलवा। तो ये देखिए मैंने गाजर का हलवा पहले ही बना दिया था। अब इसमें थोड़ा सा जो है हम लोगों को घी डालना है और चीनी डालना है बस। और देखिए किराना मैंने इसमें डाल दिया है, जो ड्राई फ्रूट्स मुझे डालने थे वो। तो समोसे बनाने के बाद में मैंने गाजर का हलवा बनाया, फिर इसके बाद समोसे फ्राई करेंगे हम। तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए।
गाजर का हलवा हो गया है हमारा बन करके तैयार, और अब हम लोग करते हैं समोसे फ्राई। तो चलिए, तो ये देखिए समोसे जो है हम लोग चूल्हे पे फ्राई करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इतनी ठंडी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और वहीं पर बैठ करके सब लोग गर्मा गर्म खाएंगे। और ये मज़ा तो सिर्फ जो है गांव में या कहीं पर ही मिल सकता है, क्योंकि हर किसी के घर में ऐसे मज़े नहीं हैं। और ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है मम्मी के घर की, क्योंकि मुझे जो जब भी मैं अपने घर जाती हूँ ना, तो इस तरीके से इंजॉय की हुई चीज़ें बहुत मज़ा आता है। देखिए कचौड़ियाँ भी बना ली हैं कुछ हमने, और समोसे भी बना लिए हैं। मैंने बोला कि जितने सेब की चीज़ें बना सकते सारे लोगों ने बनाई, और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया समोसे बनाने में। और देखिए ये बहुत सारे हैं समोसे, अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि इनको मंदी आंच में ही फ्राई करते हैं, ज़्यादा तेज़ आंच में फ्राई नहीं करते हैं, नहीं तो इनके ऊपर पपड़ी जैसी बन जाती है। तो देखिए वही मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर, और फिर इसके बाद खाएंगे समोसे। तो ठंडियों में इस तरीके के बने हुए समोसे, जब घर पे बने हुए समोसे और उसकी कोई लिमिट ना हो खाने की, कि जब तक पेट ना भरा है तब तक खाइए, तो बस फिर क्या बात है। तो वही देखिए ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है, और सर्दी के मौसम में इस तरीके की चीज़ें खाना ना बहुत ही अच्छा लगता है सॉस के साथ या चटनी के साथ। तो इनको फ्राई करने में लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो चलिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ इसी तरीके से शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे, जब आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज भी बनता है कि हर छोटी से छोटी हर उस मोमेंट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो मैं बहुत अच्छे तरीके से बिताती हूँ। और कैमरे में कैद होने के बाद में उस चीज़ को हम जब चाहे मन हमारा खोल करके देख सकते हैं। तो वही देखिए समोसा जो है हमारा फ्राई हो गया है, देखिए गोल्डन कलर का हो गया है। मैं थोड़े से करकरे ही बनाऊंगी, थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करूंगी, क्योंकि करकरे होने के बाद में बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं, निकाल लेते हैं अभी मैं इनको। तो ऑयल में एक्स्ट्रा जो है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि ऑयल ज़्यादा इनमें होता नहीं है, थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद में सूख जाते हैं। तो देखिए मैं अभी ये दो और बचे इनको और निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे समोसे जो है अपने निकाल लूँगी। तो ये देखिए समोसे दो और बचे हैं, निकाल लिए हैं मैंने, और ये देखिए बच्चे हैं खाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो चलिए कटोरी लगा करके, प्लेट लगा के उनको देते हैं सॉस के साथ में समोसे गर्मा गर्म। देखिए कितने अच्छे करकरे से दिख रहे हैं समोसे, और ये देखिए दो दो समोसा मैंने कटोरी में रख के दे दिया है। हालांकि वो दो दो नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि खाएंगे तो अच्छे से पेट भर के। ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखाए दो समोसे कटोरी में रख के। और ये देखिए सॉस के साथ में कितने अच्छे तरीके से बने हुए हैं हमारे समोसे, और मार्केट से भी अच्छे बने हुए हैं मैं ये कहूँगी। देखिए मैंने आपको तोड़ करके दिखाया, और देखिए गर्म गर्म एकदम धुआं निकल रहा है कितना अच्छा। और किस किस का मन समोसे खाने का कर रहा है, और किस किस के फेवरेट हैं समोसे, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए बिल्कुल गर्म गर्म समोसे आप लोगों के लिए हैं तैयार। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्म, और इतनी अच्छी खुशबू इनमें से आ रही थी सब्ज़ी वगैरह में से, क्योंकि बहुत ही अच्छी सब्ज़ी तीखी और मसालेदार मैंने बनाई थी। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और सर्दियों के मौसम में आप लोग भी समोसे इसी तरीके से बनाइएगा और खाइएगा। और ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं समोसे, चलिए तोड़ के दिखाते हैं। तो ये देखिए समोसा देखिए कैसे टूट रहा है, एकदम बिल्कुल खस्ता बने थे समोसे। और इसकी रेसिपी मैंने बता रखी है, आप लोग जाइएगा मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं समोसे। और इस टाइम में घर के बने समोसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मार्केट से खाने से अच्छा है कि हम घर में बना करके खाएँ। तो चलिए आपको सॉस लगा के और बताया जाए, और सबसे पहला बाइट आप लोगों का। तो ये देखिए आप लोगों के लिए है सॉस लगा के समोसा तैयार। और ये देखिए कचौड़ियाँ भी निकल गई हैं, समोसे भी निकल गए हैं, और एक और थाली हमारी लग गई है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने प्लेट लगा करके खाया, और देखिए कितनी अच्छी कचौड़ियाँ भी दिख रही हैं, दाल वाली मैंने बनाई हैं और दाल वाले समोसे मैंने बनाए हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना थाली हमारी, एकदम मस्त बिल्कुल खाने के लिए है, बिल्कुल अच्छे से तैयार। तो चलिए खाते हैं, इंजॉय करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोगों ने खाना खा लिया है, समोसे आप लोगों को दिखा दिए हैं कि कितने बनाए और कितने सारे खाए, और अब हो गया है घर जाने का टाइम। तो आज हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर से वापस अपने यहाँ। तो
तो चलिए चलते हैं, और बच्चे देखिए तैयार हो गए हैं, तो मिलेंगे घर जा कर के। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं घर पहुँच के।